कम से कम 50% का प्रभाव है। अगर हम आंकलन किया जाए तो कितने करोड़ों का कारोबार सालाना होता था और इस बार नोटबंदी के 2 साल बाद कितना कारोबार? यहाँ लगभग करोड़ों रुपए की हिसाब से कारोबार होता था, लेकिन अब यहाँ पर 50% मेरे हिसाब से लगभग सालाना 2 करोड़ का कारोबार हो रहा है। यहाँ पर व्यापार अब लगभग 40% रह गया है। अगर इसी तरह ये नोटबंदी का अगला स्टेप और उठा तो यहाँ पर व्यापारियों की पूंजी जोन सी है सब की सब गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी और व्यापारी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसलिए हमारी इच्छा ये है और हमारा व्यापार ये कहता है कि इस नोटबंदी को दोबारा किया जाए और दोबारा इसे बंद कर दिया जाए और GST भी हटाई जाए। 2 साल पहले भारत सरकार ने जो बगैर सोचे समझे नोटबंदी लागू की थी उसका सबसे ज़्यादा असर कपड़ा व्यापारियों पर पड़ा है, क्योंकि उसकी एक मेन वजह है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ कपड़े पर कोई टैक्स नहीं था। दूसरी वजह है कि हमारे कपड़े के काम करने वाले 60% लोग अनपढ़ हैं, जिनको यही नहीं पता बैंक क्या होता है, बैंक की लाइन क्या होती है, क्या टर्नओवर होता है, वो सब जानते नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कम से कम 1500 दुकानें यहाँ हैं, लेकिन 1500 के अंदर से 500 दुकानें बंद होने के कगार पर है। एक समय हुआ करता था कि ये राय वाला मार्केट में दूर दूर से ग्राहक आते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद यहाँ पर न सिर्फ ग्राहकों का टोटा पड़ा है बल्कि जो व्यापारी वर्ग है वो भी अपनी दुकानें बंद कर अपने अन्य कारोबार में लगने लगा है। रोशन लाल सैनी, ETV सहारनपुर।